हमने इसके अंदर 7 साल और उससे ज्यादा सजा वाले सभी गुना में फॉरेंसिक की टीम की विजिट को कंपलसरी कर फॉरेंसिक एविडेंस को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इससे बहुत फायदा होगा, दोष सिद्धि का प्रमाण हम बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और जांच पड़ताल में रिकॉर्डिंग की अनुमति दी है, वीडियोग्राफी को सर्च और सीजर के वक्त पर अनिवार्य किया है जिससे किसी को फंसाने की कोई साजिश न हो पाए। ई बयान बलात्कार की पीड़िता का या छेड़खानी की पीड़िता का ई बयान को भी कानूनी माना गया है और कोर्ट में ऑडियो वीडियो के माध्यम से पेशी करने का भी प्रावधान हमने किया है। ई पेशी में गवाह, आरोपी, विशेषज्ञ और पीड़ित सभी को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। इसमें जो फॉरेंसिक विजिट को अनिवार्य बनाया गया है, इसको हमने दूरदर्शिता पूर्वक काम करकर नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 2020 में बनाकर इसके लिए ट्रेन मैन पावर का सर्जन का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल के बाद इस देश में हर साल 40,000 से ज्यादा ट्रेन मैन पावर का फोर्स हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सेवा में उपलब्ध होगा। कमीशन का रेशियो इसके माध्यम से 90% तक ले जाने का हमने प्रावधान किया है और फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अभी हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है और 9 राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले जाएंगे और 6 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को भी हमने करा।